एवरी वन सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर नंबर थर्टीन विच इज द टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑर्गेनिज्मेंट तो जैसे कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा होगा इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे सो यर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्शन इन द इनवाट सो नाउ हाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक सो इट्स अबाउट द एडेप्टेशन प्रोसेस काइंड ऑफ एडप्टेशन प्रोसेस राइट बिकॉज नो कि वही ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे जहां पे वो एडप्ट है राइट इफ दे आर नॉट एबल टू दैट एनवायरमेंट देन दे नॉट सर्वाइव राइट सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ओके सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक सो इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन सो एज यू ऑल नो कि जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं इन द डिफरेंट एनवायरमेंट्स बट नॉट ओनली टू सरवाइव बट टू गिव द नेक्स्ट जनरेशन अ लाइफ राइट कि सिर्फ वो खुद ही अपने आप को ही सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट नहीं हो रहे बट फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल बिकॉज विदाउट रिप्रोडक्शन देर इज नो फर्दर जनरेशन तो अगर नई जनरेशन नहीं आएगी तो वो और ये भी चीज आपको पता ही है कि कोई भी मतलब लाइफ है वो सबकी फिक्सड है राइट विद अ फ्यूर्स ईयर्स और मोर इयर्स तो ऐसे कितना भी एडप्ट हो ले कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बट अल्टीमेटली दे हैव टू डाई राइट तो क्या होगा अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी सो दैट होल स्पीसीज विल बी एक्सटिंक्ट राइट तो उनकी सारी जो जातियां हैं वही खत्म हो जाएगी तो ऐसा ना हो उसके लिए उनको ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो करनी पड़ती है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे नीड टू एडेप्ट राइट right? तो वो एडेप्ट होंगे तभी वो सरवाइव कर पाएंगे तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे तभी जाके उनकी नई जनरेशन है वो आएगी एंड अल्टीमेटली तभी उनकी पूरी जो स्पीसीज है वो अल्टीमेटली अर्थ पे सरवाइव कर पाएगी राइट सो फॉर दैट दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द एनवाइ राइट दैट वी विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर सो एज यू नो हाउ द रोटेशन ऑफ अवर प्लेनेट अराउंड द सन and the tilt of its axis causes annual variations in the intensity and the duration of temperature resulting in distinct seasons so jaise ki aapko pata hi hai ki hamari earth hai wo rotate karti hai around the sun and wo apne खुद में भी वो evolve होती रहती है बार बार घूमती रहती है right? और उसकी वजह से थोड़ा tilt होता है उसका axis है वो तो जैसे कि आपको पता ही है कि half part पे अगर दिन है तो half part पे नाइट होगी क्योंकि वो पार्ट है वो अर्थ का ऑपोजिट आ जाता है सन से तो वहां पे अंधेरा होगा इसलिए वहां पे नाइट होती है राइट अल्टीमेटली अदरवाइज सन कहीं पर ना ही राइज होता है ना ही सेट होता है बट इट इज जस्ट अ रोटेशन ऑफ अर्थ की उसकी वजह से है वो डे एंड नाइट होते हैं राइट तो दैट यू ऑल नो दिस कॉन्सेप्ट ओके तो अभी उसके अर्थ के रोटेशन की वजह से उनके एक्सिस के टिल्ट की वजह से डिफरेंट टेम्परेचर है उसके वेरिएशंस होते हैं इसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स होती है और यू ऑल नो की बिकॉज ऑफ द लाइट डे एंड नाइट प्रोसेस भी होती है है ना सो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल किस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट सीजन है एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस होते रहते हैं तो एक ये है अर्थ का एग्जाम्पल सेकेंड वी कैन से दिस वेरिएशंस टूगेदर विथ एन्य वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन इट मीन्स बोथ रेन एंड स्नो अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स डेजर्ट रेन फॉरेस्ट एंड टूड्रा तो ये क्या है तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएशंस है एनुअल वेरिएशन जिसे हम बोलते हैं यानी सीजन होते हैं राइट जैसे कि विंटर है समर है रेनी सीजन है तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सीजन है वो कौन से बेसिस पे आती है अर्थ पे और इन सीजनस की वजह से ही यानी डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट लाइट डिफरेंट इन्वायमेंट इन सब की वजह से ही डिफरेंट प्लेसेस है वो बनते हैं जैसे कि डेजर्ट बनता है तो डेजर्ट एरिया है वहां पर आपको पता ही है कि ज्यादा गर्मी होती है और बारिश कम होती है तो ये गर्मी ज्यादा यानी लाइट ज्यादा इन बारिश कम इन दोनों की वजह से डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया राइट सेम वे सेकंड है रेन फॉरेस्ट तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश है वो कंटिन्यूस गिरती रहती है लाइट भी अच्छी खासी रहती है तो वहाँ पे फॉरेस्ट यानी प्लांट को ग्रो करने के लिए कंफर्टेबल एरिया है कंफर्टेबल जोन है राइट तो इसलिए वहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है सो दैट इज कॉल्ड वी आर कॉलिंग इट रेन फॉरेस्ट राइट क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स uh, के लिए प्रॉपर इन्वायमेंट है तो दे आर वेरी वेल ग्रोन देन है टूड्रा सो इट इज अ स्नोई प्लेस जहाँ पे प्लांट्स नहीं पाए जाते बट एक बर्फ की चादर जैसे फैली हुई होती है राइट right? तो ये भी क्या है ठंडा रीजन है बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर है वो बहुत ही कम रहता है माइनस में रहता है तो भी वहां पर बर्फी रहे जमी रहेगी पानी नहीं होगा उसका एंड सेकेंडरी थिंग इतना ठंडा एटमोसफियर है वो सभी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं होता है तो वहां पर बहुत ही कम स्पेसिस पाई जाती है बहुत प्लांट एज वेल एज एनिमल्स राइट तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है रीजनस है वो किस किसकी वजह से बन रहे बिकॉज ऑफ डिफरेंट सीजन एनी डिफरेंट सीजन्स कैसे बन रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ अवर अर्थ डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशन एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि है जैसे कि हवा है लाइट है पानी है तो इन सबकी वजह से टेम्परेचर है तो इन सब की वजह से डिफरेंट डिफरेंट एटमोसफियर बनते रहते हैं सीजन्स होती है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजियंस बनते हैं अर्थ पे ठीक है तो नेक्स्ट रीजनल एंड लोकल वेरिएशन्स विद इन ईच बायो

राइट ओके सो नेक्स्ट फिगर के थ्रू समझते हैं हम कि किस तरह से ये डिफरेंट वेरिएशन है तो टेम्परेचर वगैरह है उसमें चेंजेस आने की वजह से किस तरह से नए नए रिजियंस है वो बनते हैं तो एक डायग्राम है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की ही है उसके थ्रू अस अंडरस्टैंड ओके सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हो दैट इज डायग्राम इज ऑफ टेक्स बुक सिलेबस एनसीआर टेक्स बुक की डायग्राम है आपकी जो कि है डायग्राम ये किसकी है सो इट इज ऑफ बायो डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एन्यल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन यानी ये जो बायोम है यानी प्लेसेस है डिफरेंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन है किसके बेसिस पे सो एन्यल टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं वो और दूसरा है प्रेसिपिटेशन इट मीन स्नोफॉल और रेनफॉल तो इनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं और उसकी वजह से क्या है तो डिफरेंट एरिया से बीटाट है वो बनते हैं जिसको हम बायो बोल रहे हैं राइट सो लेट अस सी सबसे पहले है आर्कटिक एंड आल्पाइन टुंड्रा सो ये क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया विदाउट मोर प्लांट्स ये एक स्नोई प्लेस है जहां पे बर्फ है वो कंटिन्यूस जमी रहती है और प्लांट्स इतने ग्रो नहीं होते बिकॉज ऑब्वियसली दैट मच कोल्ड एनवायरमेंट इट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ राइट सो so, ये कार्कटी के नाल पान ढूंढ रहा है तो वहां पे अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन देखें तो जैसे कि आप लोग एक्स एक्सिस पे देख सकते हो ये क्या है प्रेसिपिटेशन इन सेंटीमीटर यानी बारिश ठीक है वो सेंटीमीटर में दी गई है तो कितना है अराउंड फिफ्टी यहां से लेके यहां तक यानी 50 से लेके ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है बट अगर आप टेम्परेचर देखोगे इधर वाई एक्सिस पे इन सेल्सियस तो टेम्परेचर है वो कितना है सो माइनस टेन से लेके जीरो तक का इतना टेम्परेचर है राइट सो so, ये टेम्परेचर बहुत ही कम है यानी माइनस में तो यहाँ पे जो ये प्रेसिपिटेशन में सेंटीमीटर में बारिश दिखाई वो कौन सी होगी स्नोफॉल होगा राइट और यहाँ पे ये पूरी ठंडी जगह है यानी यहाँ पे कंटिन्यूस टेम्परेचर है वो माइनस में ही रहता है एनुअल वेरिएशन दिया यानी पूरे साल भर में वेरिएशन इतना ही रहता है यानी माइनस टेन से जीरो तक ही रह गए यानी ऑलमोस्ट ठंडा ही टेम्परेचर रहता है भले ही वेरिएशन हो बट वो ठंडा ही रहता है ठीक है ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाता है तो एनुअल वेरिएशन है वो बहुत ही कम है इसका मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे कंटिन्यूस बर्फ है वो जमी रहती है और बारिश के तौर पर भी स्नोफॉल ही होता है ठीक है तो ये बात की हमने आल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट राइट तो यहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट का अगर ये आप कुछ शेप देखो तो ऐसा है इट मींस कि अगर हम देखें बारिश का कुछ ग्राफ तो वहां पे ऑलमोस्ट होती है 60 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के अराउंड बारिश होती है यानी मॉडरेट ही हो रही है ज्यादा हो रही है तो अच्छी है बारिश मतलब अच्छी खासी हो रही है और टेम्परेचर हम देखें उसका तो ये कुछ इतने रीजन में आ रहा है इट मीन जीरो से लेके फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस तक है तो यानी बर्फ तो नहीं है बट ठंडा एटमोसफियर जरूर है ठीक है तो यानी कुछ जीरो है तो कुछ साल के कुछ महीने में बर्फ जमती है थोड़ी बहुत अदरवाइज कोल cool टेम्परेचर है बट बर्फबारी नहीं रहती वहां पे बर्फ नहीं जमी रहती है बट पानी रहता है क्योंकि बारिश आप देख सकते हो तो यहाँ पे बारिश हो रही है यानी वाटरफॉल ही हो रहा है और टेम्परेचर है वो मॉडरेट रह रहा है ठीक है साल भर का एनुअल वेरिएशन दिया गया है क्लियर तो ये बात की हमने कोनी फॉरेस्ट की तो भी वहां पर अभी प्लांट सब अच्छे से ग्रो हो सकते हैं क्योंकि माइनस में टेम्परेचर नहीं है और मॉडरेट है और बारिश भी अच्छी खासी हो रही है तो यानी पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पौधों को ग्रो होने में राइट सो दैट इज द मॉडर टेम्परेचर यहाँ पे प्लांट्स है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है वो पाई जाती है और बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में पाई जाती है नहीं, बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं ठीक है थर्ड है तो वो है टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि आप लोग देख सकते हो ये वाला ठीक है तो उसकी कुछ इस तरह की ये डायग्राम है राइट तो अभी उसको हम एक्सिस पे देखें कि कितना बारिश का पोर्शन है सो ऑलमोस्ट हंड्रेड टू 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 ट्वेंटी तक का कुछ रेशियो है राइट तो ये यह यहाँ पे भी बारिश है वो अच्छी खासी हो रही है यानी प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छी है यानी देखो इसीलिए फॉरेस्ट है कि वहाँ पे प्लांट है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे ठीक है थीके? और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो रहता है ऑलमोस्ट फाइव टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो इट मींस बर्फ बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे बारिश होगी वो मतलब वाटरफॉल ही होगा राइट पानी ही गिरेगा बर्फ नहीं गिरेगी सो मॉडर्न

450 सेंटीमीटर तक की बारिश हो रही है यानी सबसे ज्यादा मैक्सिमम बारिश है वहीं हो रही है तभी तो इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है कि कंटिन्यूअस बारिश रहती है वहां पर राइट बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है और टेम्परेचर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है सिर्फ इतना ही है यानी मान लो आप पंद्रह से बीस डिग्री सेल्सियस तक का ही वेरिएशन रहता है तो सेम ही क्योंकि एटमोस्फियर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है बारिश ही कंटिन्यूस रहती है तो टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा ठीक है तो इस तरह के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बनते हैं जिसका टेम्परेचर वेरिएशन और प्रेसिपिटेशन आप देख सकते हो यानी स्नो कुछ और येलो शेप दिखाया गया इस तरह से तो ग्रासलैंड में आप देख सकते हो कि प्रेसिपिटेशन में यानी वहां पे बारिश कुछ ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते और ज्यादा होती भी नहीं है तो इतना ही वेरिएशंस है बट टेम्परेचर बहुत सारा वेरिएशन तो या, से तो यानी यानी यहाँ पे अच्छी खासी सीजन है वो देखने को मिलती है जैसे कि टेम्परेचर आप देख रहे हो फाइव टू ट्वेंटी फाइव के बीच में वेरिएशन है और बारिश है वो कुछ फिफ्टी टू हंड्रेड के बीच में है तो वहाँ पे इस तरह से ज्यादा अमाउंट में ग्रास लैंड पाई जाती है तो बीस ये हैबिटेट ग्रास लैंड अभी बन रहा है तो वहाँ पे एनिमल्स भी ऐसे ही होंगे जो कि ग्रास खाते हों ग्रास में ग्रो हो सकते हों उसका वो फूड अच्छे से उनको मिल रहा हो तो उस तरह के एनिमल और प्लांट्स है वही वहाँ पे ग्रो होंगे क्योंकि उनको वही हैबिटेट है उसके लिए वो एडप्ट है राइट right? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड द वेरिएशन एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज डेजर्ट ठीक है तो डेजर्ट तो में आप टेम्परेचर देख रहे हो इधर फाइव टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस बट बारिश बिल्कुल भी नहीं यानी बहुत ही कम सो ऑलमोस्ट थर्टी सेंटीमीटर जितनी ही होती है साल भर में ये एनुअल वेरिएशन हम देख रहे हैं तो पूरे साल भर में सिर्फ थर्टी सेंटीमीटर जितनी बारिश यानी ना के बराबर हम कह सकते हैं राइट तो ये बारिश बिल्कुल नहीं होती है और टेम्परेचर वेरिएशन भी कुछ फाइव टू ट्वेंटी तक का है तो ये डेजर्ट एरिया है वो बन जाता है क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही इसलिए जमीन है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी और वहां पे ज्यादा अमाउंट में डेजर्ट है सैंड पाई जाती है तो इसलिए वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते है तो भी ये डेजर्ट अभी बिकॉज ऑफ दिस एन्वायरमेंट ये डेजर्ट बन गया तो अभी वहां पर जो एनिमल्स ग्रो करेंगे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो भी ऐसे ही कर पाएंगे जो कि उस एनवायरमेंट के लिए एडप्ट हो जाए दूसरे है वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे सो नाउ आई होप कि किस तरह से ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हैबिटार्ट बनते हैं और उस हैबीटार्ट में वहां पे स्पीशीज है ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडेप्टेशन टू दैट एनवायरमेंट। क्लियर तो ये डायग्राम है वो होप कि आपको अभी पूरी क्लियर हो गई है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है और ये डायग्राम में से आपको एमसीक्यू वगैरह पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखना है ये कितना प्रेसिपिटेशन uh, है और कितना डिग्री टेम्परेचर होता है ये डिफरेंट डिफरेंट है कि आप लोगों ने इमेज में देखा कि किस तरह से इन्वामेंटल इफेक्ट है वो होती है बायोम्स पे और किस तरह से नए नए हैबिटेट है वो बनते हैं राइट नाउ On Earth, life exist not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats. जैसे कि examples देखते हैं तो ये तो पहले बात हो गई कि जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट habitats है बनते हैं राइट और वहां पे जो भी एडप्ट होते वैसे एनिमल है वो रह पाते हैं बट ये ऐसा नहीं है कि एकदम प्रॉपर कंडीशन हो बराबर से सब टेम्परेचर फिर ये प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा सब लाइट तो वहाँ पे ही सिर्फ एनिमल्स पाए जाते हैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ ऐसे भी अर्थ पे एरिया से ऐसे रीजन से जो कि एकदम से हार्श है और एक्सट्रीम है एक्सट्रीम एनवायरमेंट है कि जहाँ पे ज्यादातर स्पीसीज है ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते बट स्टिल देर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन्स में भी पाए जाते हैं तो जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पहला है लाइक राजस्थान डेजर्ट तो आपको पता है राजस्थान का डेजर्ट है वो बहुत ही गर्म डेजर्ट है तो वहां पे इतनी गर्मी होती है कि अगर आप लोग सेंट पे रोटियां सेकना चाहो तो भी सेक सकते हो इजीली उतनी गर्म होती है सेंट तो ये कई बार वहां पे 55 60 डिग्री तक और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है तो अभी मान लो इतना तो uh, है, है, नहीं कर पाएंगे राइट बट देर आर वेरी फ्यू स्पीज एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल जो कि वहां पे रहते हैं तो एनिमल्स के तो बात हम करेंगे बट प्लांट कैसे वहां पे पाए जाते हैं मोस्टली गर्म एरिया में तो उस तरह के मोस्टली ऐसे प्लांट्स uh, uh, होते हैं जो कि अपने लीवस है कन्वर्ट कर देते ऐसा क्यों क्योंकि अगर लीव्स तो है तो स्टोमाटा होंगे स्टोमा है तो वाटर है वो इवोपरेट होता रहेगा तो एक तो वहां पे पानी नहीं मिल रहा है प्लांट को तो उसको ये इवोपरेशन है वो फेवरेबल नहीं रहेगा दैट इज वाई दे डोंट हैव लीव्स बट दे हैव द द्रोन्स जो कि कन्वर्ट होता है एडप्टेशन है प्लांट का लीव्स को कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोन्स में सेकेंडरी थिंग ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट से वो बहुत डीप तक जाते हैं सोइल में ताकि वहाँ से वो अच्छे से पानी ले पाए तो उनको पानी की जरूरत है वो एडिशनली नहीं रहती है वो जमीन में से ले सके तो जिसकी रूट सिस्टम है वो ज़्यादा डीप हो और जिनमें लीव्स ना हो उस तरह की वहां की प्लांट की स्पीसीज है वो पाई जाती है ठीक है दूसरे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है उनको और दूसरी थिंग वो है कि वो पानी अगर जब मिले उनको तो अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं जैसे कि कैमल राइट जो राजस्थान में मोस्टली पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में डेजर्ट है वहां पे उसको व्हीकल भी बोलते हैं डेजर्ट का कैमल को क्यों क्योंकि उसकी बॉडी की सिस्टम ही ऐसी है कि वो फूड है एंड वाटर है वो अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट और जब भी बॉडी को जरूरत रहती है तब वो उसको ब्रेक डाउन करके ले सकते हैं तो ये वही एनिमल्स होते हैं जो कि अपने आप के अपने बॉडी को एडॉप्ट किया होता है इस एक्सट्रीम एनवायरमेंट ओबियो तो वहां पे ज्यादा एनिमल्स नहीं पाए जाते डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्पीसीज है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है बट फिर भी वहां पे वो रह तो रहे है ना दूसरा एग्जाम्पल है रेन सोक्ड मेघालियाज फॉरेस्ट सो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया देन इन द मेघालियन रीजियन रेन सॉक्ड फॉरेस्ट यानी वहां पे कंटिन्यूअस बारिश रहती कंटिन्यूअस मतलब ऐसा एक भी ऑलमोस्ट दिन नहीं होता है कि जबकि बारिश ना हुई हो तो ये कंटिन्यूस रेनी प्लेस है वहाँ पे ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाते सारी प्लांट प्लांट्स भी नहीं सर्वाइव कर, कर पाती तो आपको पता ही है कि प्लांट्स को मॉडरेट वाटर चाहिए ऐसा नहीं कि आप हर रोज ज्यादा अमाउंट में पानी डाल दो तो उल्टा वो खराब हो जाते तो इतने ज्यादा एक्सट्रीम एन्वायमेंट में भी एनिमल एंड प्लांट दोनों स्पीसीज है वो पाई जाती right? है डीप ओशियन ट्रेंच तो ओशियन में डीप इन साइड भी एनिमल्स होते हैं तो आपको पता है वहां पर टेम्परेचर भी है वो हाई होता है प्रेशर है वो लो होता है तो इन सब चीजों में भी एनिमल्स है वो पाए जाते हैं डीप ओशियन में भी राइट right? सेकेंड है टोरेंशियल स्ट्रीम्स और पार्माफोरेस्ट जिसको बोलते हैं स्नोलैडन तो ये ऐसे रीजन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि स्नो से कम्पलीटली ढके हुए हैं बहुत ही ज्यादा मोटी परत होती है स्नो की तो ऑब्वियसली ऐसे एनवायरमेंट में भी नॉर्मली स्पेसीज है ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बट देर आर स्टिल फ्यू एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल कि जो कि वहां पे रहते हैं राइट तो ऐसा एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बियर का स्नो बियर राइट तो ये जो भालू होते हैं स्नो बियर होते हैं तो उनका एडप्टेशन आपको पता है कि उनकी चमड़ी है उसकी स्किन है वो बहुत ही मोटी होती है बहुत ही ज्यादा लेयर्स होते हैं फैट के उसमें ताकि उसके बॉडी को वॉर्म रख सके नेचुरली ही राइट और दूसरी थिंग है फॉर होता है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्किन पे जो कि वो भी वही अडेप्टेशन है कि उनके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाए ज्यादा वेरिएशन ना हो भले ही बाहर कितनी भी ठंड हो बट उनके बॉडी के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होते अदरवाइज ब्लड है वो जम जाएगा राइट तो बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर मेंटेन रहना ही चाहिए अदरवाइज ब्लड है वो जम जाता है और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो मर जाएगा अल्टीमेटली राइट बट दे कैन सर्वाइव बिकॉज दे हैव दिस काइंड ऑफ एडेप्टन ऑन द स्किन राइट नेक्स्ट है पोलर रीजियंस सो अगेन इट इज अ स्नोई प्लेस और ज्यादा से ज्यादा माइनस फिफ्टी माइनस सिक्सटी डिग्री तक टेम्परेचर्स होते हैं देन हाई माउंटेन टॉप्स तो ये भी सेम एग्जाम्पल है हाई माउंटेन पे भी आपको पता है ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है प्रेशर है वो ज्यादा होता है तो उसकी वजह से भी वहां पे सारे एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बट देर आर स्टिल फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो कि रहते हैं माउंटेन टॉप पे भी देन थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स थर्मल स्ट्रिंग्स तो आपको पता ही है ये गर्म पानी के झरने जो होते हैं है ना जहाँ पे उबलता हुआ पानी होता है इट मीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है इन स्विंग्स में स्टिल वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर उस वाटर के सैंपल को आप देखो तो माइक्रोस्कोप में तो आपको पता चले कि बहुत सारे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें भी पाए जाते हैं तो ओबियसली इट इज अ हाई अम्परेचर राइट तो सारे तो स्पेसिय सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बट फिर भी पाए जाते हैं ऐसा नहीं है कि इतने एक्सट्रीम ये प्लेस है तो वहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे नहीं हो, होते हैं भले ही बहुत कम होते हैं बट होते हैं ठीक है एंड द लास्ट है स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स मीन्स तो इस तरह से पिट्स होते हैं जो कि आपको पता ही होगा बहुत बार नाले वगैरह की बहुत ही स्टिंकिंग होते बहुत ही बास आती है वहां पे राइट तो इस तरह से बट वहां पर फिर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते और उनके होने की वजह से ही उतनी स्टिंकिंग प्लेस वो होती है क्यों क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं ब्रेकडाउन प्रोसेस है मोलिक्यूल जो कि कचरा पड़ा हुआ होता है उसको ब्रेकडाउन करते हैं तो उसकी वजह से ही बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स इतनी गंदी बदबू आती है जिसको हम स्टिंग बोलते हैं राइट तो ऐसे स्टिंगिंग प्लेसेस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं भले ही वहां पर सारे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे अगर हमको रहने के लिए बोला जाए तो ऑब्वियसली वी ह्यूम्स कैन नॉट लिव दैर बट दिस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी लिव देर राइट सो इट इज बिकॉज ऑफ देर एडेप्टेशन राइट तो वहां पे रहते हैं तो बी सी एक्सट्रीम प्लेसेस है सारे जहां पे सारे के सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएंगे बट देर आर फिर भी फ्यू एनिमल्स एंड नेक्स्ट है सो इवन इन अवर इंटेस्टाइन वी कैन से इज ए यूनिक माइक्रोब्स तो हमारे इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब्स की बहुत सारी स्पेसिस है वो पाई जाती है तो अभी आपको लगेगा कि वहां पे कैसे राइट right? तो तो फिर हमें नुकसान नहीं होता है तो नहीं ये सारे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए फायदा फायदेमंद है फायदाकारक है वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं राइट right? तो ऐसे फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में इनफेक्ट हेल्प करते हैं ना कि मतलब पेट को खराब नहीं करते हैं बल्कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं सो दे आर हेल्पफुल स्पीसीज सो देर आर मेनी स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए अच्छी है हार्मफुल नहीं है पैथोजेनिक नहीं है बल्कि अच्छी है ठीक है सो नेक्स्ट द क्वेश्चन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटाट जो डिफरेंट हैबिटाट बन रहे तो उसके लिए कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन बोथ कंडीशन में तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि हमने बोला हैबिटेट होते हैं जैसे कि डेजर्ट है फॉरेस्ट है उसमें भी रेन फॉरेस्ट है राइट मॉडरेट टेम्परेचर है ग्रास लैंड है तो ये सारे हैबिटेट्स बन रहे बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर दैट वी नो बट कौन से की एनवायरमेंट फैक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वेरिएशन क्रिएट करते हैं प्लेसेस में हैबिटेट में तो उसका आंसर हम देख सकते देख, देखते हैं कि कैसा हो सकता है सो द मोस्ट वंस आर टेम्परेचर वॉटर लाइट एंड सोइल सो so, जैसे कि ये टेम्परेचर है वाटर लाइट एंड सोइल ठीक है तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ए बायोटिक फैक्टर्स इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ये आपके टेक्स्ट बुक के ही टॉपिक्स हैं तो वहाँ पे हम इन डिटेल एज वेल एज एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों तरह से टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सब टॉपिक के डिस्कस करेंगे लेटर इन द चैप्टर ठीक है अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टर्स हैं सो देट आर टेम्परेचर वॉटर लाइट एंड सोयल नाउ फिजियो केमिकल इट मीन ए बायोटिक कंपोनेंट्स अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो जैसे कि लाइक पैथोजें पैरासाइट्स प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ विच दे इंटरक्ट कॉन्स्टेंटली तो इट मीन ये ये क्वेश्चन था कि हेबिटाट डिफरेंट हैबिटाट है वो कौन कौन सी फिजिकल केमिकल कंडीशन की वजह से बनते हैं तो हमने बात की ए बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर वाटर लाइट एंड सोयल ठीक है बट सिर्फ ए बायोटिक फैक्टर्स से ही डिफरेंट हैबिटाट नहीं बनते हैं बायोटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है अभी कौन सा बायोटिक फैक्टर्स है जिसके एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू के लिए याद रखने सारे याद रखना पहला तो है पैथोजंस, इट मीनस हार्मफुल जो कि कॉजिंग होते हैं जिनकी वजह से डिसीज हो सकता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं तो ये पैथोजंस भी होते हैं दूसरा है पैरासाइट्स सो दिस आर द ऑर्गेनिजम्स कि ये पेरासाइट है वो कैसे होते हैं जो कि दूसरों में से न्यूट्रिशन लेते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए ठीक है सो पेरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द अदर होस्ट ठीक है दूसरे ऑर्गेनिज्म में से ये न्यूट्रिशंस लेते हैं थर्ड है प्रीडेटर्स तो यह भी इंपॉर्टेंट है यानी शिकार करना और शिकारी दोनों ही इंपॉर्टेंट है फूड चेन में हमारी अदरवाइज जैसे कि आप लोग फोर्टीन चैप्टर चैप्टर फोर्टीन में पढ़ चुके होंगे या तो पढ़ोगे आगे डिफरेंट फूड चेन्स एंड फूड वेब्स तो अगर ये मान लो ना हो ऑर्गेनिज्म यानी लेवल ऑफ कंज्यूमर्स ना हो डिफरेंट डिफरेंट देन दिफर अर्थ पे बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना हर एक ऑर्गेनिज्म की तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको मारने वाला भी होता है राइट right? तभी ये लेवल रहता है एंड कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो जैसे कि आपको पता है एनिमल्स में मोस्टली कॉम्पिटिशन होता है फॉर देयर हैबिटेट एंड द फूड तो इन दोनों चीजों में जो भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं जो नहीं स्ट्रांग है जो फूड है वो नहीं गेन कर पाते हैं वो मर जाते हैं ते केन नॉट सर्वाइव राइट तो ये सारे दिस biotic factors are also there and responsible to make the habitat sirf abiotic hi nahi balki biotic factors bhi important hai habitat ko banane ke liye right now over a period of time the organisms had through natural selections तो ये organisms है वो natural selections के through पसंद किए जाते हैं तो ये पूरी डार्विनिज्म की थियोरी है नेचुरल सिलेक्शन है वो तो ये क्या है मतलब ऐसे जो कि स्ट्रांग एनिमल है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो कि फूड है वो गेन कर सकते हैं अपना हैबिटाट है वो ढूंढ सकते हैं इजीली रह सकते हैं सर्वाइव कर पाते हैं तो फुल्ली वेल एडप्ट एनिमल स्पीसीज है वही सर्वाइव कर पाती है जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं तो नेचर उसको ही सिलेक्ट करता है जो कि स्ट्रांग होता है बाकी के हैं वो मर जाएंगे क्योंकि उनको इजीली फूड अवेलेबल नहीं होगा इजीली वो रहने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी तो कंपटीशन में उनकी डेथ हो जाएगी और वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे तो वैसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं आएगी तो उनकी स्पेसिज ही है वो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके सारी खत्म हो जाएगी जिसका एक वेल नोन एग्जाम्पल आपको पता ही है डायनासोर्स राइट तो अभी नहीं पाए जाते वैसे ऐसी बहुत सारी एक्सटिंग स्पेसिस हैं जो कि हम चैप्टर फिफ्टीन में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं तो यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी उसके बारे में तो इस तरह से इन को अगर प्रॉपरली फूड ना मिले वो कॉम्पिटिशन में नहीं टिक पाए तो वो अल्टीमेटली मर जाएंगे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो गेन करने पड़ेंगे और रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा तभी जाके वो और उनकी आगे की जनरेशन से न्यू जनरेशन से वो सर्वाइव कर पाएगी डिफरेंट है इच ऑर्गेनिजम्स है

ये ऑर्गेनिजम्स है वो एक डिफाइंड रेंज की कंडीशन है जिसको वो टॉलरेट कर पाते हैं तो यानी जो कि डेजर्ट एनिमल्स है तो उनकी एक रेंज है डेजर्ट एरिया राइट अभी उनको आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भेज दो उसी एनिमल को तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो ये सारे डिफरेंट स्पीसीज है उनकी टॉलरेंस की एक डिफाइंड रेंज होती है उतने ही दायरे में उतनी ही कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाते हैं अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सिचुएशन में तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे यानी मान लो डेजर्ट एनिमल है अभी उनको कंटिन्यूअस बारिश होने लगे वहाँ पे उस एरिया पे तो मर जाएंगे क्योंकि उनके बॉडी का एडेप्टन ही ऐसा नहीं है राइट सो दे केन नॉट सर्वाय तो ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं सारी जितनी भी लिविंग स्पीसीज है इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स उन सब की एक डिफाइंड रेंज होती है सर्वाइवल की एडप्टेशन की कंडीशन्स में ठीक है उतना ही वो टॉलरेट कर पाते हैं अगर उसके बाहर रेंज के बाहर कुछ चेंजेस हुए देन दे केन नॉट सर्वाई और वो अपने उसको निश बोलते हैं उनका एरिया यानी एक डिफाइंड रेंज जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए जहाँ पे वो एडेप्ट कर पाए तो उतने ही दायरे को एक निश बोलते हैं यानी एक प्लेस जैसे कि हम लोग अगर बोले तो जैसे कि सोसाइटी है एरिया है सिटीज है तो उस तरह से ये निश है इसमें इट मीन्स एक डिफाइंड रेंज ऑफ एरिया जहाँ पे स्पीसीज है वो सर्वाइव कर पाती है तो उनकी डिफाइंड रेंज ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट टू लेक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर टॉपिक्स ओके थैंक यू